हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो बहुत ही इजी और डिलीशियस कबाब रेसिपीज, गलौटी कबाब और चिकन चीक कबाब। चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चिकन चीक कबाब। चिकन चीक कबाब बनाया जाता है चिकन के घी में और स्पाइसेस के साथ, और ग्रिल किया जाता है शीक पर। इसे तंदूर में, अवन में या बारबेक्यू भी किया जा सकता है। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और इसे एक स्टार्टर या एपेटाइजर कह सकते हैं। इसे जनरली हरी चटनी के साथ खाया जाता है। ये बहुत ही फेमस और डिलीशियस रेसिपी है। चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे चिकन क्यूब्स, जिसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर कीमा बना लिया है। 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 प्याज, 2 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट पाउडर, 1 टीस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, 2 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। हरा मसाला पेस्ट के लिए हमें चाहिए 4 से 5 हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, इनको हमें पीस लेना है, और चाहिए हमें रोस्टेड चना दाल या पुटाने की दाल 3 टेबलस्पून, और पकाने के लिए तेल। सबसे पहले बोल में लेंगे हम चिकन का कीमा। इसमें डालेंगे हम बटर। बटर से हमारी शीक कबाब एकदम मॉइस्ट बनती है और सॉफ्ट भी बनती है। इसमें डालेंगे हम पुटाने दाल का पाउडर। ये बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब डालेंगे हम पपीते का पेस्ट, उसमें से हम मॉइस्चर निकाल देंगे इस तरह। अदरक लहसुन के पेस्ट में से भी हम बिल्कुल पानी निकाल देंगे। इस रेसिपी में हमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना हमारे शीक कबाब टूट जाएंगे। डालेंगे नारियल पाउडर। अब इसमें जाएगा ब्रेड क्रम्स पाउडर, ये बाइंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब डालेंगे फ्राइड ऑनियंस। प्याज को फ्राई करके क्रश कर लिया है। अब डालेंगे फ्रेश धनिया और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अब डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, हरे मसाले की पेस्ट, इसको भी हम पानी निकाल देंगे इसमें से। इस तरह पानी को निकाल कर फिर डालेंगे इसमें। आखिरी में डालेंगे हम चीज। इससे हमारी शीक कबाब बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्ट बढ़िया हो जाएगा। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और कम से कम 1 घंटा फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। एक घंटा हो गया है, हमारा कीमा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब हम इसके शीक कबाब बनाएंगे।
हमारे शीक कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई पैन में शैलो फ्राई करेंगे। शीक कबाब गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारे शीक कबाब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, चलिए सर्व करते हैं। ये हमारे लजीज शीक कबाब रेडी हो गए हैं। इन्हें गरम गरम हरी चटनी और सलाद के साथ सर्व कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं गलौटी कबाब। गलौटी कबाब ये लखनऊ की एक फेमस डिश है और वहाँ पे बहुत पसंद की जाती है और ये बहुत ही टेस्टी डिश है। तो सबसे पहले हमें चाहिए गलौटी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए अनियन। अनियन को हमने फ्राई करके उसकी फाइन पेस्ट बना ली है। काजू को भी हमने फ्राई करके उसकी फाइन पेस्ट बना ली है। और हमें यहाँ पे चाहिए रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन की पेस्ट, हल्दी, दालचीनी और इलायची पाउडर। और हमने लिया है यहाँ पे खीमा। खीमे को हमने अच्छे से वॉश करके उसकी फाइन पेस्ट बना ली है। तो चलिए अब हम अपने गलौटी कबाब के लिए खीमे को मैरिनेट करेंगे। तो हमारे मैरिनेशन में सबसे पहले जाएगा 2 टेबलस्पून ऑनियन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून काजू की पेस्ट और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, आगे इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, हल्दी 1 चुटकी, इलायची पाउडर 1 चुटकी, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने खीमे में। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आखिरी में इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। ये जो हमने पूरा मैरिनेशन किया है, ये जो हम कबाब बना रहे हैं वो 1/2 kg खीमे के बना रहे हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1/2 आवर के लिए हम इसे मैरिनेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब हमारा खीमा मैरिनेट हो गया है और अब इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे कबाब। ये थोड़ा स्टिकी है तो आप थोड़ा सा पानी का हाथ ले लीजिए, जिससे कि ये इसका स्टिकीनेस थोड़ा कम हो जाएगा। इसे गोल से हमने कबाब बना लिए हैं। ये अब हमने कबाब बना लिए हैं। अब इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तेल। हमें अब हमारे कबाब जो है शैलो फ्राई करने हैं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। एक ध्यान रखना है, हमें हमारे कबाब धीमी आंच पे शैलो फ्राई करने हैं। तो चलिए अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि हमारा खीमा, जो हमारा कबाब है, वो अच्छे से पक जाए।
अब हमारे कबाब एक साइड से पक गए हैं, अब इसे हम टर्न करके दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे और फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है हमारे कबाब को। अब बस ये दूसरी साइड से भी पक जाए तो ये खाने के लिए एकदम तैयार है। अब हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। सबसे पहले हम इसे टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो पूरा निकल जाए और फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। बहुत ही लजीज और टेस्टी बने हैं ये कबाब, देख के ही पता चल रहा है। आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये हम प्लेटिंग कर रहे हैं, हमारे टेस्टी माउथ वाटरिंग कबाब तैयार है। जरूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।